ट्रांसपेरेंसी ऑफ वाटर। इस वीडियो को देखने के बाद आपका देखने का परसेप्शन चेंज हो जाएगा। लाइट, ये धोखेबाज है, देखा। एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि वाटर ट्रांसपेरेंट तो है बट ओपेक भी है। कंफ्यूज मत होइए। इस वीडियो को एंजॉय कीजिए और आंसर जानिए। लाइट क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मतलब एक वेव। ये वेव्स बहुत तरह के होते हैं। लाइट का मतलब सिर्फ वो नहीं होता जो हमारे आईज सेंस करते हैं। उन्हें हम विजिबल लाइट के नाम से जानते हैं। ऐसे बहुत से लाइट हैं जो हमारे आईज डिटेक्ट नहीं कर पाते, जैसे कि आपके स्मार्टफोन से निकलने वाले वेव्स, टीवी के रिमोट से निकलने वाले वेव्स, माइक्रोवेव के अंदर जो आपके फूड को गर्म करते हैं वो वेव्स। ये सारे के सारे लाइट ही हैं, बस हमारे आईज इन्हें डिटेक्ट नहीं कर पाते। इन्हीं लाइट्स के कलेक्शन को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। विजिबल रेंज के नीचे आते हैं इंफ्रारेड लाइट, रेडियो वेव्स एटसेट्रा। विजिबल रेंज के ऊपर आते हैं अल्ट्रा वायलेट लाइट, एक्सरेज, गामा रेज एटसेट्रा। अब अगर वाटर की बात करें तो विजिबल लाइट वाटर के थ्रू पास कर जाती है, बट इंफ्रारेड अल्ट्रा वायलेट नहीं कर पाती। अल्ट्रा वायलेट लाइट में भी जो डीप अल्ट्रा वायलेट लाइट है वो नहीं क्रॉस कर पाती है। अब एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए कि आपके आईज इन विजिबल रेंज के लाइट्स को कैप्चर नहीं कर पा रही। आपके आईज सिर्फ इंफ्रारेड लाइट्स को ही कैप्चर कर सकती हैं। तो क्या आपके लिए वाटर ट्रांसपेरेंट होता? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वाटर इंफ्रारेड लाइट के लिए ओपेक होता है। ये लाइट वाटर से क्रॉस नहीं करती। तो अगली बार अगर आपसे कोई पूछे कि क्या वाटर ट्रांसपेरेंट है, तो आप उनसे पहले ये सवाल पूछिएगा, किस लाइट के लिए? इस वीडियो के लिए इतना ही, बट अगली वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे एंड ये भी जानेंगे कि स्कूल्स में और ऑनलाइन कुछ टीचर्स किस तरह आपको आज तक गलत पढ़ाते आए हैं। तो जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।